नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार आईपी टेक सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो सीरीज में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल वी लुकअप और एक्स लुकअप की कंपेयरिंग वीडियो सीरीज का। ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे वी लुकअप एक्स लुकअप में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या समानताएं हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको सारे वीडियोस सीक्वेंस में वी लुकअप के करीब 20-25 वीडियोस हैं जो कि आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, और साथ में 20-25 प्रैक्टिस फाइल भी आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। तो फटाफट इस वीडियो कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये देख सकते हैं कि मेरे पास आईडी है और मुझे यहाँ पे नेम, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए। अब मुझे इसके लिए एक एक करके सारे के सारे सेल पे फॉर्मूले नहीं लगाना। जनरली आप लोग जो वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देते हैं 2.0, फिर यहाँ पे लगाते हैं सेम वी लुकअप 3.0, फिर ऐसे ही 4.0। तो यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं, हम वी लुकअप विथ एरे ले सकते हैं। यहाँ पे वी लुकअप लिए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इन दी कर्ली ब्रैकेट हमने 2.3.4 करके यहाँ में 0 कर दिया और प्रेस एंटर किया, तो देखिए सारे ऑटोमेटिक आपके लग गए, पूरे के पूरे लग गए। लेकिन ये एरे है, अगर आपके पास अगर लोअर वर्जन का एक्सेल है, जैसे कि 2013 है, 2016 है, तो वहां पे आपको इस तरह से एरे लगाना पॉसिबल नहीं है। कैसे लगाएंगे उस केस में? उस केस में सबसे पहले आपको एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको वी लुकअप लगाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट में तरीके बिल्कुल सेम है, 2.3.4 लिख के 0 लिख के कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जी हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एक साथ प्रेस करना, तब आए। पर अगर आप एक्स लुकअप यूज कर रहे हैं, जी हाँ, तो एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला एक्स लुकअप, ये रही हमारी लुकअप वैल्यू और ये रहा मुझे लुकअप एरे, और रिजल्ट एरे जो है, रिटर्न एरे जो है, उसमें पूरा का पूरा जो भी रिटर्न करना है, जिस सीक्वेंस में करना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप क्या कीजिए, जस्ट प्रेस एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे एक ही बार में सारा का सारा यहाँ आ गया। ये है डिफरेंस वी लुकअप और एक्स लुकअप जब हम एरे इस्तेमाल करते हैं। ये ऑटोमेटिक इसमें एरे लगता है और इसमें मुझे मैन्युअली कॉलम्स देने पड़ते हैं गिन, बट यहाँ देने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम यहाँ होगी कि मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट नेम यहाँ पे मेरे पास जो पूरा नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी, तो यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप देखिएगा कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से मैन्युअली मुझे 3 नंबर चाहिए और मुझे 2 नंबर चाहिए एंड 4 नंबर चाहिए, हमने यहाँ पे लिखा 0 दे के एंटर मार। बट क्या एक्स लुकअप ऐसा कर पाए? एक्स लुकअप 104 हमने लिया, हमने रिटर्न यहाँ पे लुकअप एरे दे दिया और रिटर्न एरे में मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम। अब इसको और मुझे कैसे करेंगे, दोनों इकट्ठा कैसे रखेंगे, इकट्ठा ही सिलेक्ट होगा, अब दोनों अलग अलग कैसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे प्रॉब्लम आ। तो क्या हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे कॉमा लगा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस, नहीं ऐसा नहीं नहीं किया जा सकता, इस तरह से आप मल्टीपल्स ना दे। चलो एक काम करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या क्योंकि एरे है तो कर्ली ब्रैकेट लेगा, नहीं कर्ली ब्रैकेट भी इस चीज को नहीं लिया, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे पूरी रेंज हम नहीं दे सकते। तो चलो पूरी रेंज नहीं दे,
तो हम ये काम करते हैं, हम एक्स लुकअप लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको डेटा को ले लिए कॉमा। अब कर्ली ब्रैकेट में हमने इसको नहीं, तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ रिटर्न एरे में दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे साबित रहा कि वी लुकअप में हम मल्टी अलग अलग डिस्टेंस में ले सकते हैं, कुछ मल्टीपल चीजें कॉलम चूज कर सकते हैं, बट एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। अगर मल्टीपल सीक्वेंस में नहीं है, मल्टीपल है, तो आपको मैनुअली यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा या फिर वो इनडायरेक्ट एरे जैसे चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रैक्टिस डाउनलोड कीजिए और इसकी खुद प्रैक्टिस करके देखिए, और किस तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। Recording stopped. अगर आपको पूरी की पूरी वीडियो सीक्वेंस चाहिए तो आप प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे के सारे जो प्रैक्टिस फाइल और इसकी वीडियो सीक्वेंस वहां आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन क्लासेस देते हैं। और अपना प्यार मुझे दिखाना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।